अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब का माह रमज़ान बहुत अच्छा खैर खैरियत के साथ गुजारे, हमारे रोज़े हमारी इबादत कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, मैं आपके साथ शेयर करती रही हूँ, मैं बाहर गई हुई थी आउट ऑफ सिटी और उसके बाद मैं जैसे ही घर आई तो मुझे टेंशन स्टार्ट हो गई कि माह रमज़ान की मैंने तैयारी करनी थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ सालन के लिए पेस्ट में इसलिए कह रही हूँ, वैसे मैं ये मसाला बना रही हूँ। अच्छा, मैं इसमें पहले आपको ये बता दूँ कि मैंने प्याज घर में देखे, जो जो चीज़ें रखी हुई थी ना वही मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी रमज़ान के लिए कोई शॉपिंग ग्रॉसरी कुछ नहीं की, तो मैंने प्याज ले लिए, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। टमाटर आप फ्रेश डाल लें, कैन वाले डाल लें, मेरे पास जो घर में थे वो मैंने डाल दिए। उसके बाद मैंने हैंड ब्लेंडर से इनको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर दिया। अच्छा, मैं रेगुलर भी जब सालन बनाती हूँ या खाना इस तरह से बनाती हूँ ना, मैं उसको ब्लेंड कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अच्छी तरह से इसको भून लेती हूँ। अच्छा, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था लेकिन ठंडा होने में काफ़ी टाइम ले रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ना कपकेक का ये मोल्ड है इसमें डाल के और इसको मैं टेबल पर रख दूंगी, तो जितने तक ये ठंडा होगा तो मैं बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बहुत ही कम था। मैंने अभी बहुत सारे काम करने हैं, मैंने ग्रॉसरी भी करनी है, लेकिन घर में जो चीज़ें थी उन्हीं को मैं यूज़ करके और मैं तैयारी कर रही हूँ और आपके साथ आज की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से ये कपकेक का सिलिकॉन का मोल्ड है। तो सिलिकॉन का कोई भी मोल्ड होता है उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आराम से जो है ना आप चीज़ बाहर निकाल लेते हैं जब ये फ्रीज़ हो जाती है। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसमें ये डाला, ये मेरे पास जो केक होता है ना उसका टिन है, तो मैंने कहा चलो इसमें भी मैं देख लेती हूँ, लेकिन सिलिकॉन वाला जो आइडिया है ना वो सबसे बेस्ट रहता है। आपने भी करना हो तो आप भी कर सकते हैं। मेरे घर में रमज़ान में सालन ज़रा ज़्यादा इस तरह से बनता है कि बाकी चीज़ें भी बनती हैं, राइस भी बनते हैं, सब्ज़ी थोड़ी सी कम बनती है, सालन ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी कि मैं निकालूंगी और मैं ऑयल में डाल के और उसके बाद मैं उसको भून लूंगी। मटन बनाऊं, चिकन बनाऊं, कुछ भी इस तरह का सालन बनाती हूं तो उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, मेरा पहले तो एक दिल था कि मैं ज़रा ज़्यादा बनाऊं, लेकिन अभी मेरे पास एक तो चीज़ें यही अवेलेबल हैं, दूसरा ये कि मेरे पास फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो जितनी मेरे पास जगह है ना मैं उसी को यूज़ करूँगी। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँ कि आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी कि आप वही तैयारी किया करें जो कि आपका बजट होता है, जो कि आपके पास स्पेस होती है, जो आपकी फैमिली को चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो पसंद करते हैं, वही आप बनाएं, स्टोर करें और उसको यूज़ करें। इतना ज़्यादा भी ना बनाएं कि चीज़ें ज़ाया हो जाएं। आप इतनी क्वांटिटी में बनाएं कि कोई बात नहीं, बीच में आप और चीज़ें भी बनाते रहते हैं, कुछ और भी बनाना पड़े तो आप बना लें, चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये देखें जी, ये मैंने रेडी कर लिया है। अच्छा, मैंने ना जो ज़्यादा चीज़ें थी ना स्टोर करने वाली वो पहले बनाई हैं ताकि फ्रीज़र में थोड़ी सी जगह हो। मैं ये चीज़ें ज़रा फ्रीज़ कर करके रखती जाऊँ, फिर मैं बाकी चीज़ें फ्रीज़ करूँगी, तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, आप वीडियो पूरी देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप बेसन, इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं 1 चाय का चम्मच, बाकी सारे मसाले, धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने आधा आधा चम्मच डाली हैं। और इसमें आप चाट मसाला भी डाल लें, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। साबित जो ज़ीरा होता है या इस तरह के मसाले कोई नहीं डाले। और बेकिंग पाउडर भी मैंने इसमें डाला है, आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्लफ़ी सा आप जो है ना इसको मिक्स कर लें। और इसकी ये होता है कि आप जब पानी में इसको डालेंगे ना, इस मिक्सचर को जो आपका बैटर बना हुआ, तो इसको ऊपर तैरना चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी बात होती है कि आपको समझ आ जाती है कि परफेक्ट बैटर जो है आपने रेडी किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ भल्ले। 2 कप बेसन के साथ मैंने सारे भल्ले रेडी कर लिए थे, क्योंकि माह रमज़ान में मेरे घर दही बड़े भल्ले जो भी आप कहते हैं ये ज़रा ज़्यादा बनते हैं, तो ये मैं फ्रीज़ कर दूँगी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इनको निकाल के मैं पानी में डिप करूँगी और उसके बाद फिर जो आपका मसाला वगैरह सारा बनता है दही में आप बनाते हैं, चीज़ें डाल के, आलू डाल के, थोड़ा सा सैलेड डाल दें तो इससे बड़े मज़े के आपके दही भल्ले रेडी हो जाते हैं।
अच्छा, इसका ये होता है कि इसको आपने गुलाब जामुन जैसे आप बनाते हैं ना, लो टू मीडियम हीट आपने रखनी है और उसी फ्लेम पे आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाते हुए आपने बनाते जाना है। ये देखें कहीं से भी ये बिल्कुल भी इनका कलर कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सही जो है ना, ये आप देखें इस तरह से बन के रेडी हो गए हैं। अभी मैं आपको इनको ओपन करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है ना ये बने थे। तो ये देखें जी, ये मेरे मज़ेदार से भले रेडी हो गए हैं और आप देखें 2 कप बेसन के साथ कितने ज़्यादा माशाल्लाह से बन गए हैं। और ये देखें अंदर से जैसे आपका केक होता है ना, बिल्कुल ये उस तरह से सॉफ्ट मज़ेदार से बने हैं, कोई कच्चापन नहीं है और बहुत ही अच्छे ये माशाल्लाह से रेडी हुए हैं। और जब आप ये पानी में डिप करते हैं तो फिर ये और भी ज़्यादा डबल हो जाते हैं साइज़ में। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, मैं आपको फ्लेम का इसलिए कह रही थी, अगर आप लो फ्लेम पर बनाएंगे सारा ऑयल ये ऑब्जॉर्ब कर लेंगे और अगर आप हाई पर बनाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऑयल इन्होंने बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया। अच्छा जी, अब मैंने 1 कप लिया है बेसन और सेम मैंने मसाले डाल के और इसमें मैंने बूंदियाँ बना ली हैं। तो ये देखें जी, ये भी मैं घर में रेडी कर रही हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जाऊँगी ग्रॉसरी करने, वो आपके साथ मैं अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इसलिए अभी जो चीज़ें हैं ना वही मैंने सोचा कि बस उसी में ही जो है ना अपना बेस्ट देते हैं और सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और जो चीज़ें आपके घर में हैं, आप बेसन लें, आप इसको आराम से घर में रेडी करें, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अच्छा, ये देखें ये कितने माशाल्लाह से ज़्यादा रेडी हुए हैं और इनको सबको जो है ना मैं अब फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये भी अभी चले जाएँगे फ्रीज़र में। आप कोशिश किया करें कि जब रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, ज़िपलॉक बैग्स ले लिया करें, आप एक लार्ज में ले लिया करें, एक स्मॉल में या मीडियम में ले लिया करें, तो आपकी सारी चीज़ें आराम से फ्रीज़ हो जाती हैं। तो मैं अभी गई थी जाने से एक दिन पहले, तो मैं लेकर आई थी, ये मैंने ले लिए थे और आप देखें कितने ये आराम से मेरी ज़िंदगी जो है ना इनसे आसान हो जाती है। मैं आम रूटीन में भी बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रखती हूँ अपनी आसानी के लिए और अब तो मुझे खैर करना ही था ये सब। और ये देखें जी, ये रेडी होके फ्रीज़र में चले गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सीख कबाब। मेरे पास फ्रिज में ब्रेड के 4-5 पीस ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे ना इनको सबसे पहले चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज एक लेके इसको भी मैंने चॉप कर लिया। प्याज को मैंने ज़रा स्ट्रेनर में रख लिया ताकि इसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। उसके बाद मैंने चिकन ले लिया। अच्छा, चिकन भी मेरे पास फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये जो है ना तकरीबन 1/2 kg से थोड़ा सा कम होगा, तो ये मैंने डाल दिया। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, ब्रेड क्रम्स मैंने डाल दिए हैं। देख रही थी मैं कि किस तरह से जो है ना मैं डालूँ, मतलब कम ज़्यादा ना हो, तो मैं देख देख के डाल रही थी। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने अदरक भी ऐड की थी, धनिया भी मैंने फ्रीज़ कर दी है और उसमें मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें। अच्छा, सारे बेसिक मसाले डाले हैं, उसके साथ मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है और टिक्का मसाला हो, कबाब मसाला हो, आप वो भी इसमें ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने साथ साथ सारे मसाले भी पीस लिए, गरम मसाला, पुलाव का मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सब मैंने रेडी करके ना रख दिया, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाती। साथ साथ मैं मसाले पीस रही थी और साथ साथ मैं इसमें डाल रही थी। 1 टेबल स्पून मैंने भर के जो है ना इसमें डाल दिया बटर का, क्योंकि चिकन के कबाब हैं और इनमें फैट नहीं होता। और इस स्टेज पे आप चख लें, कोई चीज़ कम ज़्यादा आपको लगती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको ना 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया, क्योंकि ये चिकन के कबाब हैं और बोनलेस चिकन है, तो फिर ये बड़ा स्टिकी सा इसका ये टेक्स्चर होता है, मिक्सचर बड़ा स्टिकी सा हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये एक ले लिया सालन बनाने वाला चमचा और इससे मैंने सीख कबाब की शेप दे दी। और अब ये मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ना यहाँ पे बस इसको हल्का हल्का सा थोड़ा सा पका लूँगी, क्योंकि ये मैंने चिकन फ्रीज़र से निकाला है तो ऐसे तो अब मैं रख नहीं सकती थी, तो इसलिए पकाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं बस इनको पका के, और आप चाहें तो इस स्टेज पे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, आप स्मोक दे सकते हैं, कोयले का धुआं दे सकते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखें जी, बस ये बन गए, ठंडे हो गए और ये भी ज़िपलॉक बैग में डाल के और मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। काफ़ी सारे ज़िपलॉक बैग्स मेरे पास रखे हुए थे पहले, ये छोटे वाले, बड़े वाले मैं अभी लेकर आई थी, तो इनसे बड़ी आसानी हो जाती है, डेली रूटीन में भी बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। बस जी, ये भी चले जाएंगे अभी फ्रीज़र में और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चिकन में नमक, काली मिर्च और लहसुन डाल के ना, और यहाँ पे इसको मैंने पकने के लिए, बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, लहसुन का पेस्ट भी मैंने बना के रखा है, बॉटल भर के मैंने फ्रिज में रख दी है।
तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इनको थोड़ा सा पका लिया था। जैसे ही पानी ड्राई हो गया था, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया था। तो इतनी देर में मैं वेजिटेबल्स जो है ना इनको कट कर लूंगी। वेजिटेबल्स मैंने कुछ फ्रीज करके रखी हैं, ये भी मैं अभी फ्रीज कर दूंगी इस वीडियो के एंड में, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से फ्रीज करके हमेशा अपने पास रखी हुई होती हैं, इनसे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि हम दो लोग हैं तो जब मैं चीज़ें ज़्यादा लेकर आती हूँ तो फ्रिज में उनकी लाइफ इतनी नहीं होती है, ख़राब हो जाते हैं। तो आप रख लें, फ्रीज कर लें, तो फ्रीज़र में आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। अच्छा, ये देखें, चिकन को इस तरह से मैं श्रेड कर लेती हूँ और ये मुझे ईजिएस्ट तरीका लगता है। तो ये मैंने कर लिया, बस उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाला है। अच्छा, चिकन को आप बॉयल ना करें, वैसे भी बन जाते हैं, मैं स्प्रिंग रोल का मिक्सचर बना रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बॉयल किए हुए और इस तरह से थोड़ा कलर दी हुई ना बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरा अपना टेस्ट है, मैं वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी। अब ये होता है कि जब आप फ्रीज़र की सब्जियाँ यूज़ करते हैं तो इनमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे इनको आपने पकाना है। और जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई होने लग गया, मैंने इसमें नमक डाल दिया, काली मिर्च, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, बस यही चीज़ें मैंने डाली हैं। और बहुत ज़्यादा इनको स्पाइसी नहीं किया, क्योंकि रोज़े के साथ ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मिर्च मसाले वाली चीज़ें हम नहीं खाते हैं। टेस्ट होना चाहिए, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं नहीं ऐड करती हूँ। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गए। इसके ऊपर मैंने डाल दिए सफ़ेद वाले तिल, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तिल का तेल हो वो डाल दें, अगर तिल हैं तो वो आप डाल दें। अब यहाँ पे मैंने मैदा लेके इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके और इसको मैं एक बैटर बना लूँगी, क्योंकि अब आराम से यहाँ पे बैठ के मैं रोल रेडी करूँगी। अच्छा, रोल पट्टी का भी मैं आपको ये बता दूँ, ये भी मैंने नहीं ली है। मैं कुछ अरसा पहले गई थी यहाँ पे देसी शॉप पे, तो ये मुझे नज़र आई, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था समोसे रोल्स कुछ बनाने का, तो मैं ले आई। तो उसके बाद मैंने इसको भी जिप लॉक बैग में डाल के ना फ्रीज़र में रख दिया था, और ये मैंने यूज़ नहीं की थी, अभी ओपन की है। तो मुझे ये फ़ायदा हो गया कि अब मैं बैठी रहती कि अब मैं जाऊँ रोल पट्टी लेके आऊँ या फिर मुझे घर में रेडी करनी पड़ती। तो ये शुक्र है कि एक मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना इसके मैंने दो टाइप्स के रोल बना लिए थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये स्प्रिंग रोल्स पहले मुझे बहुत अच्छे लगते थे, अब मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये थोड़े से मैं ज़्यादा बना देती हूँ। और ये जो क्रिस्पी क्रंची से बनते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले दूसरी तरह से फोल्ड कर रही थी, लेकिन मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगता है, तो मैंने कहा अपने तरीके से ही करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे रोल्स बना लिए। अच्छा, इस तरह का आप कोई भी काम करते हैं ना, आराम से बैठ के किया करें, तसल्ली से, कोई ड्रामा कुछ भी आप लगा लें जो आपको अच्छा लगता है, कोई मतलब किसी से बात कर लें, कुछ लगा दें आप अपने मोबाइल पे, टीवी पे, आराम से बैठ के रिलैक्स होकर काम करेंगे तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। तो ये देखें जी, स्प्रिंग रोल्स सारे रेडी हो गए, और मैंने इनमें जो फिलिंग की है ना वो अच्छी खासी मैंने भर भर के की है, मतलब काफ़ी ज़्यादा की है, तो मैंने कहा ज़रा खा के मज़ा तो आए ना। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गए। अब उसके बाद मैं सब पे नहीं लिखूंगी, हाँ जो ज़रा सेम होंगे ना उन पे मैं लिख रही हूँ, तो इन पे मैंने लिख दिया। अच्छा, अब एक और काम मैंने ये किया था कि मैंने रैपिंग शीट यहाँ पे लगा दी, इनको मैं अभी रख दूंगी फ्रीज़र में, क्योंकि ऐसे मैं रखूंगी तो मुझे थोड़ा सा चिपकने का डर था, तो इनको मैं थोड़ा सा घंटा एक रखूंगी, इतनी देर में मैं बाकी काम कर लूंगी। तो ये जैसे ही फिर थोड़े से फ्रीज़ होने लगेंगे तो फिर मैं इनको जिप लॉक बैग में डाल दूंगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा फ्रीज़र को खाली छोड़ा था, और फ्रीज़र मैंने कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने सारा साफ़ किया है, और मैंने जस्ट एक जो तीन खाने हैं ना मेरे, तो मैंने एक में मीट रखा होता है, एक में वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐसा रखा हो, और एक में बस मैं ये चीज़ें रखूँगी। तो इसलिए जगह मेरे पास उतनी ही थी, तो मैं पहले ज़रा ये वाली चीज़ें इसलिए कर रही थी कि इनसे ज़रा जगह फ्रीज़र में होगी ना तो ये काम ज़रा आसानी से हो जाएगा। घंटा डेढ़ रखने के बाद ये जो है ना ज़रा फ्रीज़ पूरे तो नहीं हुए, लेकिन ज़रा चिल्ड से हो गए थे, ठंडे से। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इनको डाल दिया अब जिप लॉक बैग में, और बस ये भी मैं बंद करके ना रख दूँगी। तो ये बड़े मज़े के लगते हैं, आप इफ्तार में आराम से निकालें, बनाएं, और बस डेली डिफरेंट चीज़ें बनती हैं तो इतने ही बनाएं कि जितने खा लें और आप इंजॉय करें। अब जी, ये आलू भी मेरे पास रखे हुए थे, इनकी जो इनके ऊपर स्टेम्स सी होती हैं ना, तो वो निकल आई थी, तो वो मैंने सारी काट दी हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो इनको मैं ज़रा रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, और इसमें मैंने काट के ना थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। नमक से ये होता है कि फीके भी नहीं लगते और बहुत जल्दी गल जाते हैं, और मैं गर्म पानी हमेशा ऐड करती हूँ, तो इससे बड़ा कुकिंग का टाइम बच जाता है। अभी तो मेरे पास वैसे ही बहुत कम टाइम था, मैंने बस यही सोचा हुआ था कि मैं दो दिन में या मैक्सिमम अगर तीन दिन होते हैं तो इसमें मैं अपना काम जो है ना बस सारा कम्प्लीट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बैठ गई अब नीचे, अब आप देखेंगे मैं कभी कहाँ पे बैठ रही हूँ कभी कहाँ पे। हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इनको मैंने हाथ से मैश कर लिया। अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, तो
तो जो टाइम टेकिंग काम होता है ना वो मैं आराम से बैठ के करती हूँ सुकून से, ताकि मैं ज़्यादा ना थकूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें कि नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और मैंने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं किया। ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने ऐड किया है। अब उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा मज़ीद ऑयल, मुझे लग रहा था ऑयल थोड़ा सा कम है, क्योंकि मसाला ना थोड़ा सा कच्चा लगता है, तो मैं प्याज नहीं डाल रही। आप चाहें तो इस स्टेज पे प्याज भी डाल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास मटर नहीं है, वरना इधर ज़्यादातर हमने जो बाहर देखे हैं ना, ये वाले मिलते हैं समोसे या कुछ भी, तो उनमें मटर ऐड होते हैं, तो मेरे पास अभी फ्रीज़र में मटर भी ख़त्म हुए हुए हैं, तो इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे घर मटर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और चाट मसाला डाल दिया, और ये देखें, ये धनिया मैं फ्रीज़ करके गई थी तो ये मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं खाते ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही तेज़ मेरे पास अभी रखी हुई हैं, तो मैंने कहा नहीं बहुत ही स्पाइसी हो जाएंगे। तो ये देखें जी, बस इसको मैंने ठंडा कर लिया था, इसको मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जितनी देर में एक चीज़ को मैं रेस्ट देती हूँ ना, उतनी देर में मैं बाकी काम कर लेती हूँ, तो इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं होता। अब मैं दोबारा यहाँ पे आ गई हूँ, टेबल पे बैठ गई, मैंने जो है ना एक वीडियो लगा ली, तो वो देखती रही, साथ साथ मैंने ये काम भी कर लिया, और आराम से जो है ना वो ये आलू के रोल्स भी सारे जो है ना वो रेडी हो गए। मिक्सचर मैंने ज़्यादा बनाया, क्योंकि इससे मैंने कुछ और भी अभी बनाना है। अगेन मैं यही कर रही हूँ कि मैं ये रोल्स अभी रख दूंगी फ्रीज़र में, और ये जब ज़रा थोड़े से ठंडे चिल्ड हो जाएंगे एक दूसरे से, जब मुझे ये होता है कि डर ख़त्म हो जाता है कि अब ये चिपकेंगे नहीं, तो फिर मैं इनको जो है ना ज़िपलॉक बैग में डाल देती हूँ। ये मैंने बनाए हैं एयर फ्रायर में, 200 पे मैंने रखे थे 10-10 मिनट के लिए, एक एक साइड चेंज करके, और ये देखें कितने मज़े के रेडी हो गए हैं। मैं उस्मान को फ्राई करके देती हूँ, मैं अपने लिए जो है ना वो बना लेती हूँ एयर फ्रायर में। अच्छा, ये मैंने वैसे साथ साथ बनाती भी रही, क्योंकि जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ ना, तो मुझे उस्मान कहते हैं कि टेस्टर जो है ना वो चेक कराओ, तो साथ साथ मैं उनको भी बना के देती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इंशाल्लाह वो मैं फिर सारे आपके साथ ना अपने व्लॉग में शेयर करूँगी, तो आप मेरा व्लॉग देखिएगा। तो ये देखें जी, बस आलू वाले रोल्स जो हैं ये भी मैं रख लूँगी, हम दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं, और उस्मान तो स्पेशली आलू से बनी हुई चीज़ों के बहुत शौकीन है, इसलिए मैंने आलू की चीज़ें ज़रा ज़्यादा बनाई हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे समोसे, क्योंकि मेरे पास जो रोल पट्टी का पैक था ना, उसमें मैंने दो टाइप्स के रोल्स बना लिए थे, तो यहाँ पे अब समोसे बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाला है 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए घी के, घी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया, और मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच डाल दिया है ज़ीरे का। तो ज़ीरा अगर आप नहीं डालना चाहते, अजवाइन भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है। मैं तो खैर ज़ीरा ऐड किया, जो चीज़ थी वो ऐड कर दिया, ज़ीरा बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पहले इसको अच्छी तरह से मैंने चलाया। अच्छा, मैं इसमें यूज़ करती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, मेरे पास जो चीज़ है मैं वही आपको दिखा रही हूँ, आप हाथ से गूंथ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और इसकी जो डो है ना वो मैंने रखी है काफ़ी सॉफ्ट, क्योंकि इसको मैं बनाऊंगी रोटी मेकर में। अगर आपके पास रोटी मेकर नहीं है, या आप पकाना नहीं चाहते कुछ भी इस तरह से, तो आप इसकी डो को थोड़ा सा हार्ड रखिएगा, और सख्त जो होती है ना डो, उस तरह से बना के और फिर आप डायरेक्टली फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये तरीका सही लगता है, मैं काफ़ी टाइम से इसी तरह से बनाती हूँ कि मैं बिल्कुल ही सॉफ्ट डो बना देती हूँ, और उसके बाद मैं रोटी मेकर में इसको कच्चा पक्का बना के, और फिर उसके बाद मैं इसके समोसे बनाती हूँ, और बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आप मेरे व्लॉग्स देखिएगा, मैं रमज़ान में मैं आपको फिर साथ साथ दिखाती रहूँगी। अच्छा, रोटी मेकर के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने दराज से लिया था पाकिस्तान से ही, और बहुत साल से मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें कच्ची पक्की, बस इस तरह से ही मैंने इसको बना लिया, और ये बना बना के ना मैं रैक पर रखती जा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसकी फिलिंग करूँगी, ज़रा सी इसमें स्टीम वगैरह निकल जाएगी ना, फिर मैं इसमें करूँगी फिलिंग। ये देखें जी, सारे रेडी हो गए, और अच्छे खासे 2 कप मैदे से आप देखें कितने सारे बन गए हैं। तो अगर आप ये वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट जो है वो डो को सख्त रख के वैसे ही समोसे बना लें, बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन करें, ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे ना, उस्मान को इतने पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा वो कह रहे थे ये तो बिल्कुल बाजार वाले स्टाइल के लगते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं यही बना लेती हूँ, और इतने ही बना रही हूँ कि हमारे इंशाल्लाह काफ़ी सारे दिन गुजर जाएंगे। अब वही जो आलू वाली मैंने फिलिंग बनाई थी, उसी से ही मैं समोसे इस तरह से बना के और ये मैं रखती जाऊंगी। तो एक मैं यहाँ पे बना रही थी ताकि मैं आपको ज़रा लाइट में दिखा दूँ, बाहर इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, बाकी मैं आराम से बैठ के बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे जो है ना इनको कट कर लिया था सारा, लेकिन मैंने बनाए फिर बाहर आराम से बैठ के थे। ये देखें जो ये कितना मज़े का रेडी हो गया है, और इसमें कोई टेंशन नहीं होती, कोई डर नहीं होता, शेप भी ख़राब नहीं होती, तो इसलिए मैं तो इससे बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हो, और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखते,
थोड़ा सा आप देखें, जरा मैंने मोटा इसको रखा है क्योंकि ये जब फ्राई होते हैं ना तो बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो मैं बाहर चली गई, मैंने बैठ के आराम से जो है ना, ये देखें सारे समोसे रेडी हो गए हैं और ये 2 कप मैदे के साथ बने और माशाल्लाह से कितने ज़्यादा बन गए हैं, हमारे लिए तो काफ़ी हैं। फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे जो है ना वो क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम वेरी हैप्पी। जो जो काम होते जा रहे थे ना, मुझे इतनी खुशी होती जा रही थी कि इंसान थकता तो है लेकिन यह है कि बाद में इंशाल्लाह ताला ज़रा टाइम भी मिल जाता है और इंसान आराम से चीज़ों को इंजॉय भी कर लेता है। तो ये देखें जी, बस समोसे मैं इस तरह से रख लूँगी, इसको मैंने कोई फ्रीज़र में नहीं रखा। बाकी मुझे थोड़ा सा डर था, उनको मैंने पहले घंटा एक फ्रीज़र में रखा था, इनका मुझे कोई डर नहीं था, ये ऑलमोस्ट जो है ना वो कुक्ड ही थे। फ्राई करके फिर इनकी शेप बिल्कुल बाजार वाले समोसों वाली आ जाती है। तो बस इनको भी मैं अब रख दूंगी फ्रीज़र में और ये भी हो गए हैं डन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे मेरे पास स्लाइस रखे हुए थे तो मैंने सोचा इनके मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। अच्छा, ये ना 2 तरह से मैं बनाती हूँ, आप चाहें तो इनको बेक कर लें, आप चाहें तो इनको एयर फ्रायर में रख लें, ओवन में रख लें। मैंने टोस्टर में इस तरह से इनको टोस्ट कर लिया और उसके बाद अगर आप ये कुछ नहीं करना चाहते, इनको सिंपल आप चॉप कर लें चॉपर में डाल के और आप इनको कढ़ाई में जो है ना डाल के इनका मॉइस्चर आप ख़त्म कर दें। तो ये इस तरह से मैंने रख दिए, ज़रा ठंडे हो गए, फिर उसके बाद मैंने चॉपर में डाल के और इनको चॉप कर लिया था। अच्छा, मैंने बड़ा चॉपर नहीं निकाला क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो रहे थे ना वॉश कर करके, तो इसलिए मैंने कहा नहीं छोटा चॉपर ठीक है, तो बड़ा मैंने इसलिए नहीं निकाला। अदरवाइज बड़े का ये होता है कि ज़रा काम जल्दी हो जाता है लेकिन फिर वॉश करने का ये होता है कि 2-2 चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो रही होती हैं। अच्छा जी, तो आप चाहें तो इनको भी आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और मैंने इनको पहले टोस्ट कर लिया था, आप पहले इनको चॉप करके बाद में कढ़ाई में मॉइस्चर भी इनका निकाल सकते हैं। अब उसके बाद मैदे में मैंने डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स, गार्लिक और थोड़ा सा नमक, और मैंने आलू की टिक्कियाँ बना ली। और उसके बाद ये देखें इस तरह से मैं इसमें कोट करके और ये मैं रख दूंगी। अच्छा, मैं आलू की टिक्कियाँ बहुत ही कम फ्रीज करती हूँ लेकिन इस बार मैंने कहा थोड़ी सी करके देखती हूँ, आलू भी अब ख़त्म थे और मैंने कहा चलो ये थोड़े से करके ना ज़रा मैं देखती हूँ कि कैसे बनेंगे। मैंने अपने बहुत सारे कज़न्स के घर, फ्रेंड्स के घर इस तरह से खाई हैं कि फ्रीज़ करके अक्सर रख देते हैं, तो मैंने कहा चलो इस बार मैं अभी बना के देखती हूँ। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कोटिंग किया ताकि ये बिल्कुल ख़राब ना हो। इनको भी मैंने 1-2 घंटे रख दिया था फ्रीज़र में और उसके बाद मैंने अब इनको जिप लॉक बैग में डाल दिया है और थोड़े से जो क्रम्स बच गए थे वो भी मैंने रख दिए हैं। लास्ट ईयर मेरे पास ब्रेड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसलिए ज़्यादा बना लिए थे, अब मेरे पास नहीं है तो इंशाल्लाह खैर है, कोई बात नहीं फिर बना लूँगी। तो ये भी डन हो गए। अब उसके बाद लहसुन का पेस्ट मैंने कुछ बना के फ्रिज में रखा हुआ है, वो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। कुछ उस्मान जो है ना वो लेकर आ गए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट लाना था तो वो पूरा का पूरा जो है ना वो लहसुन का लेकर आए थे। तो अदरक अब फ्रिज में रखी हुई थी, मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ मैं अदरक के क्यूब्स बना लूँगी। मैं वैसे भी हमेशा फ्रीज करके रखती हूँ, मुझे ज़रा आसानी रहती है। और उसके बाद फिर किसी चीज़ में अगर अदरक डालनी होगी तो अदरक डाल दूंगी, अदरवाइज़ फिर गार्लिक के 2 क्यूब्स भी रखे हुए हैं फ्रिज में, भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है तो वो तो आप उसमें ऑयल डाल दें तो बहुत टाइम निकाल जाते हैं। तो ये भी मैंने रख दिए थे फ्रीज़र में। अच्छा, आप कोई चीज़ भी फ्रीज़र में रखते हैं ना, कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा इस तरह आप रैप कर दिया करें, तो इससे स्मेल ना इनकी चीज़ों में जाती है ना चीज़ों की स्मेल इनमें आती है, अदरवाइज़ फिर आप फ्रीज़र खोलते हैं तो पूरे फ्रीज़र से स्मेल आ रही होती है। और अगेन ये देखें सिलिकॉन का है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब मैंने इस तरह से फ्रीज करनी हो, जैसे कि कभी लेमन जूस करना होता है या इस तरह से कुछ भी मैंने बनाना होता है, तो ये बहुत आराम से निकल जाते हैं। तो इसलिए ये सिलिकॉन वाले बड़े फ़ायदेमंद रहते हैं अगर आप फ्रीज़ करते हैं चीज़ों को। तो ये देखें जी, अदरक के भी ये रेडी हो गए और इस ब्लॉग के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने फ्रीज़र में गार्लिक के भी क्यूब्स रखे हुए हैं और लेमन के भी रखे हुए हैं। तो बस ये भी रेडी हो गए हैं, थोड़े से हैं लेकिन कोई बात नहीं, फ़िलहाल गुजारा होगा, इतना ज़्यादा भर भर के क्या करना है, काफ़ी है हमारे लिए। अब उसके बाद धनिया, ये मैं जाने से पहले लेकर आई थी तो मैं इस तरह से रख लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने पहले ही बना के रखा था, मैंने काट के ना इसको फ्रीज़ कर दिया था, तो मैं जब लेकर आती हूँ तो मैं इस तरह से रख लें, आप टिश्यू पेपर में रख लें तब भी ख़राब बिल्कुल नहीं होते। और चटनी जो है ना, ये मैं आपको साथ साथ बता दूँ, चटनी में मैं हमेशा डालती हूँ लहसुन और उसके साथ मैं डालती हूँ हरी मिर्च और पुदीना, धनिया पुदीना मिक्स करके डालती हूँ और बस चटनी रेडी हो जाती है। तो चटनी और पकौड़ों के बगैर तो हमारी इफ्तार नहीं होती है, तो हम ज़रूर बनाते हैं। तो ये भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गए हैं। और उसके अलावा धनिया जो है ना वो मैंने फिर रख दिया था, बाकी फ्रीज़ कर दिया था। धनिया तो मैं ऑन एंड ऑफ अक्सर फ्रीज़ करती हूँ। अब उसके बाद हरी मिर्चें भी मेरे पास रखी हुई थी फ्रिज में, मैं बड़ा पैक लेकर आई थी और ये बहुत ज़्यादा तीखी हैं तो इसलिए मैंने जो है ना वो थोड़ी थोड़ी डाल के मैं यूज़ करती हूँ।
तो इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, एक्स्ट्रा पानी स्पिनर में मैंने निकाल दिया। ये स्पिनर इतना काम क्या ना, स्पेशली अगर आपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स इनको वॉश करना होता है, ड्राई करना होता है, बेस्ट है। उसके बाद मैंने टिश्यू पेपर पे सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर पानी निकाल दिया और इसको भी मैं रख दूंगी अभी फ्रीज़र में, तो ये भी जो है ना मेरी काफ़ी चल जाएंगी, क्योंकि हरी मिर्च मैं जस्ट टेस्ट के लिए ऐड करती हूँ। और जी ये है हरा प्याज, ये भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, काट लिया, इसका भी मैं एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दूंगी और ये भी मैं काट के फ्रीज़ कर दूंगी। इससे बहुत अच्छे आप चाइनीज़ बनाते हैं, कुछ भी आप जो है ना पास्ता वगैरह बनाते हैं तो उसके पे डाल देते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो वैसे तो आम डेज़ में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप चाइनीज़ कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें यूज़ होता है। तो बस मैं इकट्ठा ही इसको काट के ना और मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तो यहाँ पे बस मैंने इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया और मैंने इसको ज़िपलॉक बैग में डाल के और फ्रीज़ कर दिया था। तो ये भी काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया और मैं इतनी खुश हो रही थी कि जितनी मैं परेशान थी, मुझे टेंशन हो रही थी मैं कैसे करूँगी काम, दिन कम है, ग्रॉसरी नहीं की, अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आप जब काम स्टार्ट करते हो तो अल्लाह ताला खुद ही मदद करते हैं, काम होते जाते हैं। और मेरे पास शिमला मिर्च भी रखी हुई थी तो ये भी मैंने ज़िपलॉक बैग में डाल के ना, और ये मैं अक्सर चाइनीज़ बनाती हूँ, बेकिंग करती हूँ, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा बनाती हूँ उसमें मैं रख देती हूँ। तो ये देखें, ये मैं आपको जो बता रही थी, गार्लिक के क्यूब्स भी रखे हुए हैं, लेमन जूस थोड़ा सा ही मैंने जो है उसके क्यूब्स बना के रखे थे। तो ये सारी चीज़ें, ये ऊपर वाला जो होता है ना खाना होता है, ये इसमें आइस क्यूब्स वगैरह रखते हैं, आइस बॉक्स कहते हैं, तो इसमें मैं सारी इस तरह से चीज़ें रख लेती हूँ। और उसके साथ टमाटर को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, अक्सर टोमेटो पेस्ट होता है उसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये मैंने गाजर, बंद गोभी, ये चीज़ें मैंने जाने से पहले ही फ्रीज़ कर दी थी, तो ये भी मेरा शुक्र है काम जो है ना वो हो गया। बहुत सारी चीज़ें इनसे बन जाती हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान में दिखाऊंगी। अभी भी मैंने आज काफ़ी इनको यूज़ कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे बेसन में मैं मसाले डाल के और पकौड़ा मिक्स बना के रख दूंगी, क्योंकि मेरे घर डेली पकौड़े बनते हैं और मैं पकौड़े बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाती, मैं पालक भी नहीं डालती, मैं बहुत ही कम चीज़ें डालती हूँ, लेकिन मेरे पकौड़े पूरी फैमिली में बहुत मशहूर हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है, क्रिस्पी बहुत बनते हैं। तो मैंने इसमें जो है ना सारे बेसिक मसाले डाले हैं, मैं इसमें ड्राई पुदीना डालती हूँ लेकिन मेरे पास आज है नहीं, तो अभी लेकर आऊँगी तो इंशाल्लाह वो मैं ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने नमक डाला है, इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, चाट मसाला मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ये मैंने डाला है, और मैं इसमें ड्राई मिंट जो होता है ना वो ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत बहुत प्यारी खुशबू आती है, टेस्ट आता है। लेकिन खैर चलें, अभी जो चीज़ें थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। अभी मैंने ना नया जो लाल मिर्च होती है ना उसका पाउडर का पैक खोला है, उस पर लिखा हुआ था एक्स्ट्रा चिली एक्स्ट्रा हॉट ना, तो अब मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये कैसे होगा, तो मैंने फिर यहाँ पे ज़रा पकोड़े बना के चेक भी कर लिए थे, तो वो इंशाल्लाह मैं व्लॉग में शेयर करूँगी। कलर उनका बहुत ही हल्का था, लेकिन ये था कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है पाउडर, तो इसलिए मैं ज़रा सोच के डाल रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था सब कुछ। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने चने भी बॉईल कर लिए और ये देखें जी, चनों के पैक भी बन गए। मैं हर साल ना बीन्स भी ज़रूर बॉईल करके डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया क्योंकि जगह मेरे पास अब नहीं है, तो इंशाल्लाह बाद में होगा तो मैं कर लूँगी। और लास्ट में ये देखें, दो चीज़ें मैं आपको और दिखा दूँ, एक तो कबाब मैंने जाने से पहले बना के रखे थे, और ये देखें ये धनिया है, धनिया भी मैं हमेशा इसी में अच्छी तरह से वॉश करके स्पिनर में मैं ड्राई कर देती हूँ और उसके बाद मैं इनको ज़िपलॉक बैग में डाल के ना इसको भी मैं रख देती हूँ, तो ये मेरा बहुत टाइम चलता है और बिल्कुल ठीक रहता है। और कबाब मैंने चिकन के बना लिए हैं, इंशाल्लाह ताला मैं सोच रही थी कि अभी जाऊँगी तो मैं बीफ लेकर आऊँगी, बीफ के मैं बनाऊँगी। अच्छा, ये मैं डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी बार रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही। ये शामी कबाब मैंने बनाए हैं चिकन के, तो ये भी फ़िलहाल के लिए बहुत है, होगा तो इंशाल्लाह मैं बना लूँगी, बीफ के बीफ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये भी हो गए हैं जी डन, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट में आपको ये दिखा दूँ कि ये मैंने टोमेटो पेस्ट को भी इस तरह से ना मैंने बना के रख दिया, क्योंकि अक्सर पिज़्ज़ा बनाती हूँ, कुछ भी बेकिंग करती हूँ, कोई ऐसी रेसिपीज़ होती हैं तो उनमें टोमेटो पेस्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह रख दिए थे और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कंप्लीट हो गए। और ये थी मेरी जी माह रमज़ान की 2024 की तैयारी। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक छोटा सा जो है ना वो एप्रिसिएशन का टोकन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह ताला आपसे अपने ब्लॉग में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।